ट्रक ड्राइवर के लिए सबसे बड़ा समस्या है डीजल और उनके गाड़ी का सेफ्टी और गाड़ी का लुक। तो इस वीडियो में आप सभी को गाड़ी का लुक देखने के लिए मिलेगा और डीजल से संबंधित वीडियो मिलेगा, गाड़ी को किस तरह से बनाया गया है। आप लोग वीडियो पे बने रहिए। प्रणाम, नमस्कार दोस्तों। आज आप सबको बताना चाहते हैं, जो अगर आप गाड़ी लाते हैं तो रोड पे लाने के लिए सबसे पहले उसमें क्या क्या करना होता है, आप सबको अभी लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो आपके रोड पे जो गाड़ी चलेगा तो कैसे सेफ्टी रहेगा, डीजल चोरी नहीं होगा और देखने में सबसे अच्छा लुक होगा। तो आप, हम अभी टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं और आपको सीधा लेके चलते हैं वीडियो पे और वीडियो दिखाते हैं, जो हमने जो नया गाड़ी का वीडियो आप लोग को दिखाते थे बार बार, तो नया गाड़ी का वीडियो जो आप लोग को दिखाते थे बार बार, तो वीडियो में गाड़ी कैसा बना है वो अभी आप सबको दिखाता हूँ। क्योंकि अभी पूरा कंप्लीट गाड़ी बना नहीं है और जब तक पूरा कंप्लीट गाड़ी नहीं बनेगा तब तक कंप्लीट वीडियो नहीं आएगा। अभी वैसे ही आपको जितना काम करवाए हैं उतना काम का आपको वीडियो दिखाते हैं, जो गाड़ी में क्या क्या करवाए हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और हम आप सबको लेके चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम गाड़ी के आगे आ चुके हैं और आप लोग देखिए जो गाड़ी का लुक कुछ इस प्रकार से है और लाइट का देखिए सेफ्टी किस प्रकार से जाली बनाया गया है, आगे का पीढ़िया बनाया गया है, नीचे में फॉक्स लाइट का सिस्टम बनाया गया है और इसका जो है सीढ़ी बनाया गया है, त्रिशूल बनाया गया है। और कल इसका काम हुआ था लेकिन कल हम इसका वीडियो आप लोग को नहीं दिखा पाए थे क्योंकि कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे, किसी वजह से कहीं चले गए थे, इसी कारण वीडियो हम नहीं बना पाए थे। तो ये आगे का लुक है, आपको पीछे भी लेके चलते हैं। तो ये जो है लाइट का जाली है, ये सब अभी पेंट होगा और यहाँ पे जो है नंबर प्लेट के लिए ये बॉक्स बनाया गया है जो कि नंबर प्लेट है। यहाँ पे सीलिंग भी लगता है टोचन के लिए। तो ये यहाँ पे जो है बैटरी का सिस्टम रहता था तो बैटरी चोरी होने का डर रहता था, इसी कारण से बैटरी का सिस्टम को हम अंदर कर दिए हैं और यहाँ पे जो है एक बॉक्स बना दिए हैं, इसमें जो है जैक रखने के लिए, गुटखा रखने के लिए। तो अंदर में दिखाते हैं आपको कितना काम हुआ है। तो अंदर में देखिए मेरा सीट का फ्रेमिंग हो चुका है, जो इस पे सीट बनेगा और क्योंकि ये जो कंपनी से आता है इसमें एक सीट लगा हुआ रहता है, उसमें सोने के लिए नहीं बनता है, इसी कारण इसमें जो है सीट लगाया गया। और यहाँ पे देखिए जो बैटरी का जो है बॉक्स का, जो वहाँ से जो हम बैटरी लाए हैं केबिन के अंदर, तो उसका सारा सिस्टम हम यहीं उठा के ले आए हैं, यहीं से लाइट भी काट सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपको अंदर का नज़ारा हुआ गाड़ी का। तो और आपको नीचे लेके चलते हैं जो पीछे में हमारे गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है। तो हम चलिए नीचे उतरते हैं तो आपको दिखाते हैं। तो मेरा ये सीट का फ्रेमिंग हो चुका है और सीट कल या परसों तक में बन जाएगा, तो आपको वीडियो फिर दिखाएंगे जो सीट किस प्रकार से बनाया गया है। तो ये नया गाड़ी का लुक कुछ इस प्रकार से है। अंदर में जो है हम वेल्डिंग कहीं से नहीं करवाए हैं क्योंकि वेल्डिंग होने से इसका नीचे का मैट जो है मैट को जला देता है, इसी कारण जो भी काम हुआ है नट बल्ट पे हुआ है, वेल्डिंग नहीं करने दिए हैं अंदर में। तो अब आपको पीछे लेके चलते हैं। यहाँ पे जो है इंडिकेटर रहता है, ब्रेक बत्ती रहता है, उसका जो है जाली बनाया गया है और पीछे का भी लुक दिखाते हैं। यहाँ जो है पहले का क्लिप था जो टैंकी सेफ्टी के लिए जो बनाया गया था, तो ये क्या होता है डीजल टैंकी को इस तरह से बनाने से, जाली देने से लोहा का, कहीं सटता उठता है तो टैंकी डीजल का फूटता नहीं है और चोर जो है इसमें से डीजल नहीं निकाल पाता है क्योंकि ये अंदर से इस तरह से बॉक्स बना दिया गया है कि यहाँ ताला तोड़ेगा भी तब पे भी नहीं खुलेगा। तो इस तरह का सिस्टम बनाया गया है। कहीं रोड पे सो जाते हैं तो उसमें क्या होता है ड्राइवर थके हुए रहता है, सो जाता आता है, चोर लोग डीजल निकाल के चले जाता है, तो ये भी हुआ सेफ्टी हुआ। लेकिन चोर के आगे में कुछ नहीं है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी है क्योंकि इस सेफ्टी से जी डीजल नहीं निकाल पाएगा, ये बॉक्स की तरह हो गया और यहाँ पे जो है इसमें ताला लगेगा। तो गाड़ी का कुछ लुक इस प्रकार से दिखता है। ये आपको हो गया साइड में जाली हो गया, क्योंकि जाली रहने से है जो कहीं पत्थर उत्थर मार के शीशा भांग देता है, इसी कारण जाली लगाए हैं। पीछे भी जाली लगा हुआ है तो देखिए, क्योंकि खड़ा हुआ गाड़ी में कहीं चोर जो है शीशा को सरका देता है,
इसीलिए जो है शीशा को पैक कर दिया गया है जाली द्वारा। तो ये बॉक्स में है, ये डीजल टंकी का बॉक्स है, यहाँ पे ताला लगेगा और अंदर तो टंकी लॉक है, फिर भी इसको सेफ्टी के लिए। और पीछे में चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या हुआ है। ये आपको लाइट का जाली हो गया, क्योंकि ये भी फूटने का डर रहता था पत्थर उत्थर लगने से, तो इसीलिए जाली लगा दिया गया है। और पीछे में अभी उसका ऊपर में बल्ला का काम हो रहा है, क्योंकि बल्ला में जो है जब तक बल्ला नहीं होगा तब तक गाड़ी में माल का सेफ्टी नहीं रहता है। तो इसी कारण जो है हमारा ड्राइवर एक तो देखिए बैठा हुआ है, वो देखिए बल्ला का काम हो रहा है, ऊपर में इंगल देगा, इंगल के ऊपर से जो है बल्ला का सिस्टम लगाएगा, तो ये जो ढाला का बॉडी का जो है पाइप है उतना मजबूत नहीं है, इसीलिए बल्ला को तोड़ देगा, इसीलिए ऊपर से इंगल दिया गया है, क्योंकि अब इस पर बल्ला रहेगा तो कहीं से तोड़ नहीं पाएगा, इसीलिए जो है इस पर एंगल दिया गया है। और बहुत मजबूती गाड़ी बनाया जा रहा है, और तो देखिए कितना मजबूती गाड़ी बना है। और आपको जो है गैरेज का कुछ लुक आपको दिखाते हैं, तो चलिए ये गैरेज का भी जानकारी आपको देते हैं, ये गैरेज कहाँ पे है, तो ये भी आपको जानकारी देंगे लास्ट वीडियो में, जो ऐसा गाड़ी कहाँ का गैरेज में बनाया जाता है। तो आप देखिए गाड़ी में, हमारे गाड़ी के आगे एक ठो गाड़ी और बन रहा है, इसका लुक देखिए कुछ इस प्रकार है, हमारे जैसा लुक तो नहीं है, तो फिर भी इसका भी लुक देखिए, सबका अपना अपना पसंद होता है, तो इसका लुक कुछ इस प्रकार है गाड़ी। और देखिए गैरेज में कितना है, तो गैरेज में अभी काम वाम हो रहा है, तो चलिए और आगे आपको भी दिखाते हैं गाड़ी का लुक। तो ये गाड़ी रहा, पुराना गाड़ी सब है, और 10 चक्का 12 चक्का का तो मार्केट ख़त्म हो गया है, ये गाड़ी बहुत दिन से खड़ा है। और ठीक है दोस्तों, आप लोग फाइनली देख लिए होंगे वीडियो जो हमारा गाड़ी किस प्रकार से बना है। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं अगर हमारा गाड़ी में कोई तरह का त्रुटि होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई चीज़ मिसयूज हो गया होगा हमारे से या हम नहीं काम करवा पाए होंगे तो आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा जो ये काम छूट गया है। और जब तक गाड़ी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप सबको एक वीडियो और बनाएंगे पूरा गाड़ी के ऊपर, जो क्या क्या काम करवाए हैं वो आप सबको वीडियो में देखने के लिए पूरा मिलेगा। तो जैसे ही अभी गाड़ी में बहुत सारा काम बच गया है, अभी तो 4-5 रोज लगेगा काम में, जब तक रेडियम का भी काम नहीं हुआ है, सब काम हो जाने के बाद आप लोग को हम फाइनल वीडियो दिखाऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप सबके जो भी हमारे ड्राइवर भाई नहीं जानते होंगे तो उनके लिए ये नॉलेज वाला वीडियो था, उनके लिए जानकारी था जो किस प्रकार से नया गाड़ी को रोड पे ला करके चलाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप सबसे फिर कल एक नए वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगा, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।